और वो नेशनल हाईवे के साथ जो है वो हमें जो है बड़ी अजीब सी हालत में पाए गए। वहाँ पे जिस इलाके में हम पहुँचे, स्टील टाउन कॉलोनी है, पाकिस्तान मार्केट है, स्टील मिल की कॉलोनी, उधर हम पहुँचे। उधर पहुँचने के बाद जैसे हम पहुँचे तो जैसे ही उसके घर के करीब उसके बच्चों ने उसको देखा तो बच्चे उसके रोते हुए अपने बाप के साथ आके चिपट गए। और वो बंदा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो बंदा ये देखे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज अपनी वीडियो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज रात चलते हुए एक हमारे अजीज, हमारे जानने वाले हमें टकर गए, और वो नेशनल हाईवे के साथ जो है वो हमें जो है बड़ी अजीब सी हालत में पाए गए। हालांकि हम निकल गए थे, हमारी नज़र इनके पर पड़ी। नज़र पड़ने के बाद मैंने, ये बच्चा मेरे साथ है अहमद अली, मैंने अहमद से कहा, यार वो बंदा मुझे एक नज़र आया है और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा कुछ जानने वाला है, तो लिहाजा हमने गाड़ी अपनी वापसी टर्न करके हम पीछे गए। पीछे गए तो वो वाकई वो बंदा हमें मिला है। और वो बंदा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो बंदा ये देखे, ये है अरशद भाई, इनका नाम है अरशद भाई, ये वाटर बोर्ड के। अरशद भाई अभी ऑन ड्यूटी हो, रिटायर हो गए हो? ऑन ड्यूटी हो अभी? कितना रिटायरमेंट में कितना टाइम बाकी है? 2072 या 85 में अपॉइंट। अच्छा, मैं समझा कि 2072 में रिटायर कब हो गए भाई? हाँ, देखे आपको ये वीडियो दिखाने का मेन मकसद ये है कि ये बंदा अल्लाह बेहतर जानता है बेचारा किस परेशानी में है, क्या है, किस तरह है, ना इसके पाँव में चप्पल है, ना कुछ राह चलते कोई लेडीज बैठी थी, उन्होंने इसके कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके कपड़े इनके पास हैं। और इन बंदों का अब मसला ये है कि इन बंदे को शायद, मुझे नहीं लग रहा, अरशद भाई घर याद है? कहाँ है? टाउनशिप तो खड़े हैं अपन यार, तो अब मुझे एड्रेस बताओ, कहाँ जाना है? पाकिस्तान, पाकिस्तान मार्केट। घर उधर है या गुलशन है जिससे बाहर है, ये बता दो मुझे। वापसी घुमाऊँ? अच्छा अच्छा जी, मसला ये है कि ये बंदा तो हमने इनको पिक तो कर लिया, हमने अपने साथ बिठा भी लिया, क्योंकि मैं इस बंदों को यहाँ तक जानता हूँ कि ये मेरे ऑफिस खुली गया, ये एक टाइम था कारसा में मेरे साथ जॉब करते थे, वहाँ तक इनको मैं जानता हूँ। इसके आगे इनका मसला सारा ये आ रहा है कि इनको अपने घर का मुझे नहीं लग रहा कि वो एड्रेस समझ, क्योंकि ये बार बार टाउनशिप पर हम खड़े हुए हैं, ये आप देखें स्किल टाउन मेन स्टॉप पर हम खड़े हुए हैं, मगर इस बंदे का मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनके घर तक बआसानी पहुँच जाऊँ और उनको पहुँचा सकूँ, तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम वहाँ पहुँच के जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ मसला क्या है और किस वजह से ये किस तरह वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ से लिया तो उनकी जेब में कितने थे भाई? आपकी जेब में 100 रुपये। जब हमने इनको वहाँ से लिया तो इनकी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे और वो अभी इनके पास मौजूद है, ऐसे ही है। हाँ, अब ये गए किस लिए? तो ये बता रहे हैं कि जानवर बेचने गए हैं, अभी इनके पास मौजूद है, ऐसे ही है। हाँ, अब ये गए किस लिए? तो ये बता रहे हैं कि जानवर बेचने गए हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, मुझे समझ में आ नहीं रही थी बंदा किस वजह से ये उधर तक पहुँचा है। तो अब दुआ करेंगे हम इनका घर ढूंढने में कामयाब हों, और हम खैर करिए इनका घर ढूंढते हैं, उनके घर तक पहुँचा दें, ठीक है भाई। 1 hour later भाई, अल्लाह पाक का बड़ा गर्म में मालिक का एहसान है कि आपकी दुआओं से मैंने इस बंदे को खैर खैरियत से उसको उसके घर पहुँचा दिया। पहुँचा इस तरह दिया कि समझें कि कुछ कुछ उस बंदे को थोड़ा बहुत एड्रेस, वो तकरीबन आधे एक घंटे से हमें फायर कर रहा था, आधे एक घंटे तक उसको अपने घर का एड्रेस समझ में आ बिल्कुल भी नहीं रहा था। फिर वो जैसे जैसे हम घूमते रहे कहीं कहीं कुछ गलियाँ उसको याद आती रहीं, कुछ जगह उसको याद आती रहीं। फिर वहाँ पे जिस इलाके में हम पहुँचे, स्टील टाउन कॉलोनी है, पाकिस्तान मार्केट है, स्टील मिल की कॉलोनी, उधर हम पहुँचे। उधर पहुँचने के बाद जैसे हम पहुँचे तो जैसे ही उसके घर के करीब उसके बच्चों ने उसको देखा तो बच्चे उसके रोते हुए अपने बाप के साथ आके चिपट गए। और पता ये चला है घर जाने के बाद कि ये बंदा जो वीडियो में आपको मैंने दिखाया, ये बंदा 6 दिन से अपने घर से लापता है। और इनका एक भाई है जाहिद नाम का, वो इनको मुसलसल तकरीबन 6 दिन से बेचारा वो ढूंढ रहा, और अभी भी हम घर में गए तो वो हमें मिला नहीं है। वो बंदा पता ये चला है कि वो ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं किसी थाने में, किसी जो ये जो अपना क्या कहते हैं हॉस्पिटल वगैरह जो है उनमें, कहीं किस तरह के जो ये ओल्ड हाउसेस होते हैं इनमें वो बेचारा 6 दिन से मुसलसल वो ढूंढ रहा है। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, मालिक का एहसान है कि हम ये इस नेकी में अल्लाह पाक ने हमें सुरखुरु किया और हमें खैर खैरियत से हमें जो है ना
पाए तकमील तक पहुँचाया कि हमने उस बंदे को उसके घर तक खैर खैरियत से पहुँचा दिया। और आप यकीन कह रहे हैं कि ये नेकी कर गया ना, दिल अंदर से कितना मुतमईन और कितनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कि वो जब उसके घर वालों को लेडीज़ थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा, तो जो घर की कंडीशन थी, उनकी बहन भी है, देवरानी भी थी, फिर उनकी अपनी वाइफ भी और चार बच्चे, भांजा भतीजे, बहुत बड़े खानदान थे बंदे का, काम करता। और ये बंदा जब उधर पहुंचा है तो आप यकीन करें कि आस पड़ोस मोहल्लेदार सारे उसको इस तरह जैसे कोई बंदा पता नहीं क्या करके आया, कौन सा यानी इनाम जीत के आया, इस तरह सारे उसको माशाल्लाह चिपट गए। तो अल्लाह पाक से बस दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और खैर खैरियत से रखे, अल्लाह पाक उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कि वो अपने बच्चों की जो है किफालत जो अच्छी तरीके से कर सके। और मज़ीद आपसे भी बस इल्तमास करूँगा कि आप भी उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।